सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज है जनवरी 9 तारीख और मैं हूँ दुशानबे सिटी में। और जैसे कि मैंने एक और कंट्री जाना था, वो है किर्गिस्तान, जिसका वीज़ा का मेरे को अपडेट अभी तक नहीं मिला है। सो मैंने चेंजेस किए हैं प्लान में, मैं जा रहा हूँ वापस उज़्बेकिस्तान, बिकॉज़ मेरे पास डबल एंट्री वीज़ा है। सो मैं उज़्बेकिस्तान से निकल जाऊँगा अल्माटी, और अल्माटी से मेरी फ़्लाइट है। तो जितना जल्दी हो सके मैं अल्माटी पहुँच जाऊँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर लास्ट टाइम पे हासिल होना सही नहीं रहता है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। अगर मेरे पास टाइम फ्री होता तो मैं बेशक आराम से आता जाता, कोई टेंशन नहीं थी। वीज़ा मुझे यहाँ मिलता नहीं मिलता, मैं दुशानबे में ही अपना, एक और सिटी है ताजिकिस्तान की खुजांद, बड़ी सिटी है जिसमें आबादी सिर्फ और सिर्फ 9 लाख है, तो वहाँ जाना था, बट मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऑक्टो वग्जाल जो बस स्टेशन को बोलते हैं, और वग्जाल जो है उसको रेलवे स्टेशन को बोला जाता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ, ये सामने बस स्टैंड है, यहाँ से 15 नंबर बस आएगी, ये रही, यहाँ से 15 नंबर बस आएगी। मैं जाना है एशियन एक्सप्रेस बस स्टेशन टर्मिनल पे, जो कि यहाँ पे बूस बोला जाता है, बूस स्टेशन, और बस को ये लोग बूस बोलते हैं। तो 15 का वेट करना है, वहाँ जाना है। मेरा एक दोस्त है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कई बार वीडियो में, याकूब नाम है भाई का। सो ही इज़ वेटिंग ओवर देयर एंड आई विल गो एंड मीट हिम अगेन। एंड वहाँ से मेरे को बस मिलेगी वहाँ जाने के लिए, है जो कि नियर बाई लोकेशन पड़ता है। एक्चुअली जो एशियन एक्सप्रेस है वहाँ से मेरे को 200 सुमोनी में पंजा कैंट के लिए मिलेगी बस। तो पंजा कैंट में मुझे वो ड्रॉप कर देंगी बस, और फिर मुझे वहाँ से कार या फिर टैक्सी या फिर मार्शरूट का लेनी पड़ेगी आगे जाने के लिए, जो कि मुझे समरकंद सिटी में ड्रॉप कर देगी। फिर समरकंद से मैं ट्रेन देखूँगा डायरेक्ट, वहाँ से मिलती हैं, समरकंद हो गया, टाशकंद हो गया, तो डायरेक्ट अल्माटी की ट्रेन चलती हैं। बुलेट ट्रेन अवेलेबल है, सो मैं वो टिकट लेके अपना पहुँच जाऊँगा अल्माटी। और फिर अल्माटी में मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ इसेकुल लेक और चैरिन कैनियन को, बहुत दिन से मिसिंग है। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो मैं इसको बुक करके चला जाऊँगा और उसको भी करके ख़त्म करूँगा। सो यही है मेरा प्लान फ़िलहाल, और बाकी कुछ और आपको अपडेट दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपके ताजिकिस्तान में आते हो तो मेक श्योर कि आरोमत बैंक एक है, ग्रीन कलर का लोगो है उसका, वहाँ पे ज़रूर जाएं, वहीं से आपको पैसा मिलेगा एटीएम विड्रॉल से। सो आपका वीज़ा कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, मेक श्योर यू हैव अ वीज़ा कार्ड, सो उसको यूज़ करना पैसे विड्रॉ करने के लिए, या फिर आप बैंक को विज़िट करके ले सकते हो डायरेक्टली। 15th नंबर ही जा रही है मार्शरूट का, ये रही मर्सिडीज, रोका नहीं इसने। इसका जो किराया है वो बता दूँ, बसेस का और जो मार्शरूट का भी गई है वो है 250 सुमोनी। 250 सुमोनी मतलब कि 2 सुमोनी और 50 दिरहम, यहाँ पे दिरहम बोलते हैं जो हमारा पैसे होते हैं। और अब वेट करता हूँ, एक तो निकल गई, दूसरी आने का। तो यहाँ पे बसेस और मार्शरूट का दोनों अवेलेबल है, मैप में आप चेक कर सकते हो। तो मैं लेता हूँ जल्दी से मार्शरूट का और पहुँचता हूँ स्टेशन पर। फाइनली बस में बैठ चुका हूँ, और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है अगर आपको दिख रहा हो तो, जो रेड वाला है माकर, वो मैं बस में हूँ, बाकी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये कुछ बस दिखता है, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, सब जा रहे हैं अपने अपने काम पे। स्ट्रॉन्ग ब्रेक लगा रहे यार। सो अभी उसने कॉल किया था पूछने के लिए क्या अपडेट है, कहाँ पे हूँ। सो आज धूप बहुत ज़्यादा हो रखी, गर्मी हो रखी है, तो बैगेज भी है, कपड़े भी पहन रखे हैं, उससे भी हो रहा है। लगता है ग्लासेस भी निकालने पड़ेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। मैं रखता हूँ कैमरा, निकल के आपको दिखाऊंगा जो बस टर्मिनल है वहाँ से, आपको नियर बाई लैंड बॉर्डर्स के लिए बसेस मिल जाएंगी। सो बाकी क्या अपडेट है वहाँ पे वो भी चेक करके आपको बता दूँगा। सो फाइनली मैं अपने बस स्टैंड पर यहाँ उतर गया था। स्टेशन दिखा देता हूँ, एशियन टर्मिनल कौन सा है। सो ये जो पीछे रेड कलर से लिखा हुआ है ना, यही टर्मिनल है, एशिया एक्सप्रेस के नाम से है। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी जाने के लिए, और ये अंडरपास है, और यहाँ पर हर अंडरपास में ना शॉप्स बनी हुई है। तो आई एम गोइंग टू दी
लोकेशन भी है, माई फ्रेंड इज़ वेटिंग। सो ये ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ। सो ये पूरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, देख लो भाई, हर सब्बे में अलग अलग मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और अंडर पास में ज्वेलरी, किसी में फ्लावर्स का, किसी में मोबाइल का, ऐसे अलग अलग मिल जाएंगे। तो जाना है ऊपर, ही इज वेटिंग एट द पोस्ट ऑफिस नंबर 43, सो गोइंग देयर। तो देख लो भाई आसपास के बस अड्डे कैसे हैं यहाँ पे। कुछ लोग थोड़े से यहाँ पे फ्रेंडली हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग इंटरेक्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उदास होने की ज़रूरत है। हर शहर में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे मिलेंगे। सो इस चीज़ को तो आप लोग ध्यान में रखें। फ़िलहाल मैं सोचा था यहाँ पर 3-4 दिन रुकने के लिए, जो मैंने प्लानिंग की थी, प्लानिंग इन द सेंस एटलीस्ट 4 डेज़ मैं हर एक कंट्री में रुकने वाला था। सो मेरा पहला दिन ही ख़राब हो गया था अलमाटी में, वो बस ड्राइवर की वजह से। सो वहाँ से मेरा पूरा प्लान गड़बड़ हो गया, चौपट हो गया। मैंने सारी बुकिंग्स जो होटल्स की बना रखी थी हॉस्टल की, वो कैंसिल कर दी। और फिर मैंने उसके बाद सिटी में एंटर होने के बाद से ही मैंने फिर हॉस्टल बुक किए हैं अकॉर्डिंगली। सो ये देख लो भाई, और यहाँ पर टैक्सी देख लो ना, टैक्सी एक नंबर पर सेक्सी हैं। मतलब देखो BYD की कार यहाँ पर जो कार्स हैं वो टैक्सी में चल रही हैं, और किया की कार्स हैं। टैक्सी आपको लग्जरी वाली कार्स जितनी भी होंगी ना उनमें मिलेंगी, सही है। और जो फेयर टैक्सी का है वो मिनिमम 5 समोनी, 6 समोनी, 7, 8, 9, 10, 30 ऐसे जाता है। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस यू आर ट्रैवलिंग। एंड फॉर द बस फेयर, बस के लिए आपको भाई मिनिमम 2.5 समोनी लगेंगे, यानी कि 2 समोनी और 50 दिरहम। तो कुछ ये हैं इनकी इलेक्ट्रिक बसें। रही बात कार्ड पेमेंट की, बसेस में तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। सो आपको यहाँ पे बसेस नहीं मिलेंगे कि आपने टैप किया और चल दिए। और यार उज़्बेकिस्तान का बहुत सही है, सिर्फ एक बुखारा सिटी को छोड़ दो आप, तो बुखारा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि बुखारा में आपको यार बसेस जो हैं वो नेविगेशन पर नहीं मिलेंगी, यंडेक्स में, गूगल पे भी उसका कोई डेटा नहीं अवेलेबल है। और यहाँ पर टैक्सीज़ के लिए, बुकिंग के लिए आप या तो नंबर डायल कर सकते हो, अगर आपके पास में लोकल नंबर है यहाँ का ताजिक का, तो हर गाड़ी पर नंबर लिखा हुआ है 111 मीन्स 1111 और 3333, वो डायल करके आप बुक कर सकते हो। ये देख लो भाई, ब्रांडीज यहाँ पे है सारी अवेलेबल है। देख लो सामने टैक्सी जो है ये BYD की है, सी BYD भी बहुत अच्छा कर रहा है, और ताजिकिस्तान में यहाँ तो अच्छा कर ही रहा है ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे आपको शेवरले नहीं मिलेंगी, जबकि शेवरले आपको मिलेंगी उज़्बेकिस्तान में, भरी हुई हैं भाई, सिर्फ है शेवी, यहाँ तो मिक्स सारी हैं। तो भाइयों अंधेरा हो रखा है, और मैं इधर एक बिल्डिंग में रुका हुआ था, मैं आपको सुबह दिखा दूँगा। जो मेरा दोस्त है उनके फ्रेंड थे उनके घर पर, वहाँ पे एक्चुअली जो मार्केट ना बहुत बड़ी मार्केट है, होलसेल रिटेल सब मिलेगा, तो वो देखना है थोड़ा सा। उसके बाद देखने के बाद हम वहाँ से वापस निकल जाएंगे अपने रास्ते। कल का क्या अपडेट है आई विल लेट यू नो। सो भाई फाइनली आए हैं मॉल पे, जो कि फेमस मॉल है यहाँ का, दुशानबे मॉल से नाम से है। ये कोई फ्रेंच कंपनी है, उसने बनाया है दुशानबे मॉल। अभी तक मैंने मॉल एक्सप्लोर नहीं किए थे, तो मॉल भी एक्सप्लोर कर लूँगा। एंड इफ़ यू गाइज हैव रिमेंबर याकूब फ्रॉम दुबई, वी मेट इन दुबई एज वेल, रिमेंबर द फेस, वी आर मीटिंग अगेन आफ्टर 1 ईयर। एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सलाम अलैकुम, माय नेम इज़ अबू बकर, एंड दिस इज़ द कॉमन नेम अबू बकर इन इंडिया, इफ़ यू हैव हर्ड, एंड यू नो
everywhere in India. So we'll see brands. Let's start from first brand. It's Turkish brands. YKK. Okay, YKK. Do you have in India? YKK? YKK? Yes. YKK are the zippers. So in India, we use for zippers. They have branding with the YKK. ये देख लो भाई यहाँ पे वाई के के. How much for this? It is 279. The similar rates almost in India as well. The similar rates. 1900 की पड़ रही है जीन्स. ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है. सो ये है शॉप. लाइट है, लोगों से ठीक है. हेलो, हैव यू मेट एनीवन फ्रॉम इंडिया और नो हियर? यस हियर फ्रॉम श्रीलंका. आई मेट वन पर्सन. आई हैवंट सीन एनी ऑफ दिस सिंगल फेस ऑफ इंडियन. आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ बैग. मोर जिपर, बट दिस इज फॉर गर्ल्स राइट. 129 भाई, 129 का बैग मिल रहा है. 900 रुपए का बैग है, ठीक है भाई. एक परफ्यूम शॉप पे आया तो हूँ, ये रिक्रिएशन वाली है सारी. देखो लाइन से बॉटल लगी हुई है, तो जो आपको परफ्यूम बनवानी हो यहाँ से बनवा सकते हो. मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या है, क्या सीन नहीं है. ये सारे ब्रांड्स के नेम है. दीज आर ऑल ब्रांड्स नेम राइट? फॉर वुमेन. ओके, दिस फॉर मैन. तो अब भाई कुछ मिला तो नहीं जो मुझे चाहिए. तो ये दिस इज द नेम द ब्रांड दे आर यूजिंग, अरोमा कोको. यू कैन आल्सो सी विच अरोमा आल्सो दे आल्सो रिक्रिएटिंग. दिस इज आल्सो द रिच अरोमा. यू कैन सी दिस हियर. ओके, आल्सो द ह्यूगो आइस मुझे चाहिए, वो है नहीं, और ह्यूगो बॉस ही अवेलेबल है. ओके लेट्स गो. तो भाई नहीं मिलेगा यहाँ पर भी, चलते हैं बाहर देखते हैं. तो अभी मैं था यार फूड मार्केट में. सो देख लो ये सारे फूड मार्केट में हैं जितने भी ब्रांड्स हैं. एक ही नोन ब्रांड है, वो है KFC. देख लो, एक कोका कोला दिखेगा और KFC दिखेगा बस, इसके अलावा और कोई नोन ब्रांड नहीं है. डू वी हैव एनी कॉफ़ी चेन? Coffee chain means like CCD, barista, yes. Such kind of chain. Moose. I have seen in the map, which is at the your friend's house, just nearby. I think 1 kilometer or 500 meters. Yes. Coffee Moose. Yes, it's very good. So, bhai, I have a gaming parlor. Me, Tajikistan mein bhi gaming parlor hai. So, dekh sakte ho, gaming club, gamers club. See. He is Muhammad. Ah, he is from America. India. India. Yes, yes, he looks similar. Yes. I look like Indian? Yes. Oh, thank you. Well, So you can see, this is the gaming all setup. तीन लोग वहाँ बैठे हैं, यहाँ पर भी है, और ये अपना यहाँ पर पूरा सेटअप बना हुआ है. गेमर्स क्लब के नाम से है, तो कुछ गेम वगैरह खेलते हैं, देखते हैं. हाँ, yes. PS2. Which game is this? PS2, Counter Strike 2. Okay. Do you want any chocolate? Do you want any chocolate? Sneakers, Sneakers Bounty or? Bounty brother. Hey, I'm Milton. You are? It's Game Club. Calls Game Over. Game Over, yes. Game Over Cyber Club. So this is the actual name, Game Over Cyber Club. And the person is playing. This is the only club over here, or we have lots of other club also? We have the gaming club. Other gaming clubs, but it's only one game over. Okay. It has only one. Okay, one branch. तो यहाँ पे Warcraft चल रहा है, एक ऑनलाइन यहाँ पे ही खेल रहे हैं. PC गेम. सामने फुटबॉल चल रहा है. ये फुटबॉल चल रहा है. व्हाट आर दोज लोगोस? दैट इज अ टीम लोगो. यस, टीम लोगोस ऑफ साइबर. यस,
it's Navi, Vitality, okay. Astralis, G2. And they are all playing international. International. Yes. But it is kind of made for this cyber club. It's not our teams. It's international teams. It's from Ukraine, it's from France, from Denmark or Sweden, I don't know. G2 is from Bosnia. Okay. So यहाँ पे ये जो नाम देख रहे हो ना Navi, और ये नाम मुझे पता नहीं क्या है, ये सारे टीम्स हैं और मतलब कंट्री वाइज भी हैं, तो यहाँ पे गेम्स चलते रहते हैं और ऑनलाइन गेमिंग ही चलती है, वो ऑफलाइन गेमिंग नहीं होती है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, टूर्नामेंट्स भी होते हैं। सो सही सेटअप बना रखा है भाई, और इन फ्यूचर में भी आगे और ये लोग एक्सपेंड करेंगे। सो यहाँ पर भी चल रही भाई। यस हाय, माय नेम इज खुर्शीद। Do you speak English? Yeah. Chut chut. Middle, yeah. How Which game you are playing? CS2. CS2? Yeah. Okay. Your video is Instagram? For YouTube. YouTube? Nice. Actually, people how don't much know. How many followers? Small followers, 3,000. You small followers? Yeah. Good, nice. Follows you. Follow. I'm following you. Oh, yeah. तो भाई एक मिले फॉलो करने के लिए। यू फ्रॉम इंडिया? यस। यू शो मी? यस यस यस। ओके ओके, प्ले वन गेम, आई विल रिकॉर्ड प्रॉपर। सो यू आल्सो प्ले फॉर टूर्नामेंट्स? व्हाट टूर्नामेंट्स? लाइक इंटरनेशनल गेमिंग्स? आई डोंट नो। ग्रुप गेमिंग। या नो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नाइस टू मीट यू ब्रो। No, I still okay, you play. I actually prefer to play with the remotes. The remotes? Yes, PlayStation 4, 3. So they require the remotes. I don't prefer to playing with the keyboards. It is keyboard. Yeah. We have remotes as well. So I prefer to play with remotes. Nice one. Thank you. Welcome. So. सो अपडेट ये है कि मैं इस वक्त अभी बैठा हूँ गेमिंग जोन में, जिसका नाम है गेम ओवर। कल के डेट में मैं जाऊँगा खुजांद के लिए। खुजांद पे बीच में एक रास्ता पड़ता है जो कि माउंटेंस होते हुए निकलेगा। सो वो रास्ता बहुत खूबसूरत है, सोच रहा हूँ मैं वहाँ से जाऊँ खुजांद से मैं पहुँच जाऊँगा टास्किन, और टास्किन से मुझे मिल जाएगी ट्रेन। सो मैं ट्रेन के थ्रू पहुंच जाऊंगा अलमाटी, और फिर अलमाटी में अगर मैं पहुंच जाता हूं बाय 13th और या फिर 12th को अगर मैं पहुंच जाता हूं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं वहां की जो इसकुल लेक है, चरिन कैनियन है, और दो चार चीज़ें और हैं, वो एक दिन की ट्रिप है, तो मैं वो भी एक्सप्लोर कर लूँ। और जिसका जो पैकेज है, जो टूर पैकेज है, वो 2200 रुपये का है, मतलब 2100 या 2200 रुपये पड़ेंगे, और जो कि कजाकिस्तान में पड़ता है टेंगे 12,000, 13,000, 15,000 और 25,000 अटेंगे। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजेस। सो अगर किसी को करना हो तो मैं आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं नंबर शेयर कर दूंगा आपको डायरेक्टली, जो वेंडर है उससे आप बात करके अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो एज सिंपल इज़ दैट, एंड इट इज़ वेरी ईजी, यू कैन मैनेज इट। सो अभी मेरा फ़िलहाल प्लान कुछ और है नहीं यहाँ पर रुकने का दुशांते में। आज मैंने अपने दोस्त के साथ में पूरा दिन स्पेंड किया, लंच के बाद से डिनर भी है साथ में, उनके दोस्त हैं तो उनके साथ में घुमा फिरा मैं। और कल का बस प्लान यही है कि सुबह वो ऑफिस जाएंगे, तो उसी ऑफिस जाते समय मैं भी अपना बैग उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। एक मार्केट है जो मैंने मॉर्निंग में कई बार आपको बताया था, मार्केट बड़ी है, तो उस मार्केट को मैं एक्सप्लोर करूँगा। फिर उस एक्सप्लोरेशन के बाद से निकल जाऊँगा एक आई डोंट नो व्हाई आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स, एक टैक्सी स्टैंड है, वो जो मुझे उस टैक्सी एक टैक्सी स्टैंड है मुझे उस टैक्सी स्टैंड पे जाना है। वहाँ से मुझे एक टैक्सी स्टैंड है, उस टैक्सी स्टैंड पे मुझे जाना है। फिर वहाँ से मुझे मिल जाएगी नियर बाय लैंड बॉर्डर एक सिटी है, वहाँ पहुँचने के लिए, फिर वहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा अपने जहाँ मुझे जाना है। आपको कोई भी वीज़ा चाहिए हो सेंट्रल एशिया में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ईमेल आईडी उसमें मेंशन रहती है हमेशा, तो आप उस पर ड्रॉप कर सकते हो।
और ई वीज़ा बहुत इजी है आपको इस्तान कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए। सो किर्गिस्तान के लिए स्पेशली डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं मिला, बट आपको इशू नहीं होगा अगर आप अप्लाई करोगे, क्योंकि मैं पहले से प्लान रहूँगा उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। बाकी आपके विषय, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। तो यही था आज का अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप ड्रीमिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।